हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कोहार्ड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं एक से दो साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है फ्रेंड्स ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों को पहनाने में बहुत ही कम्फर्टेबल है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंड्स इस कैप को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से दो एयर कप बनाने होंगे तो एक साइड का एयर कप ये बनके तैयार हो गया है और दूसरी साइड का एयर कप बनाने के लिए मैंने इसकी ये पट्टी बना ली है पट्टी में मैंने यहाँ पर आठ फंदे लिए हैं सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइया बुनते हुए इस पट्टी की लेंथ मैंने साढ़े पाँच इंच बनाकर तैयार कर ली है तो आप भी इसी तरह से साढ़े पांच से छ इंच की ये पट्टी बनाकर तैयार कर, कर लीजिए अब इस तरह से ईयर कप बनाने के लिए इसकी दोनों साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये जो फंदे डालने के बाद लाइन होती है ये इसकी सीधी साइड है तो इसी तरफ से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो ये देखिए एक फंदे को पहले हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे फिर ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे और फिर उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छ बीच के हम छः फंदे बुन लेंगे तो इस फंदे से पहले हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो इसके नीचे से ऐसे एक लूप उठा लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर भी बढ़ा देंगे तो आठ फंदे हमने डाले थे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया तो दस हो गए हैं अब इन फंदों को उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फिर से सीधी साइड पर हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे ये जो दूसरा फंदा है इसके नीचे से ऐसे लुप उठाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन देंगे और लास्ट का एक फंदा रहने तक बीच के फंदों को हम उल्टा बुन देंगे हर सीधी सिलाई पर हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं इसमें हमें टोटल 24 फंदे करने हैं आठ फंदे हमने डाले हैं सोलह फंदे हमें बढ़ाने हैं तो देखिए लास्ट का एक फंदा है और इस फंदे के नीचे से लूप उठाएंगे और यहां पर हम फंदा बढ़ा देंगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है अब फिर से सीधी साइड पर हम फंदे बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए फिर आगे आप 24 फंदे हों तब तक ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाइए एक फंदे को बुन लेना है सेकंड वाले फंदे के नीचे से लूप उठानी है और फंदे को बढ़ा देना है और लास्ट का जो फंदा है उससे पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये हमारा लास्ट का एक फंदा बच गया है तो इसके नीचे से ऐसे लूप उठाइए और यहाँ एक फंदा बढ़ा दीजिए तो इसमें हमारे अब चौदह फंदे हो गए हैं दस फंदे अभी हमें इसमें और बढ़ाने हैं तो आप इसी तरह से दोनों साइड से फंदे बढ़ाइए और चौबीस फंदे इसमें बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मेरे ये चौबीस फंदे हो गए हैं आप भी इसी तरह से चौबीस फंदे बना लीजिए अब इसमें हम छः सलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे फंदे हमारे पूरे हो चुके हैं तो ईयर कप की लेंथ पूरी करने के लिए छह सिलाई बनाइए सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी जिससे आपकी तीन लाइनें ऐसे वाली बन जाएंगी तो मैं ये छह सिलाइयां और बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दोनों ईयर कप बनके तैयार हो गए हैं अब इसके लिए हम इस तरह से एक पट्टी बनाएंगे इस पट्टी में मैंने यहाँ पर लिए हैं बाईस फंदे और फंदे मैंने नॉर्मल ही डाले हुए हैं उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये उन्नीस सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं तो उन्नीस सिलाइयों में ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये जो हमारी दसवीं लाइन आएगी ये आधी बनेगी तो नौ लाइनें इस तरह से आपकी पूरी बन जाएंगी और दसवीं आधी तो उन्नीस सिलाइयाँ इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर, कर लीजिए अब ये जो ईयर कप हैं ये देखिए फंदे डालने के बाद ये जो हमारी लाइन होती है ये इस तरह से आपने रखनी है ये ऐसे सीधी आ जाएगी इससे आपको पहचान मिलेगी तो दोनों पट्टियों को इस तरह से आप सीधा रख लीजिए और 22 फंदे डालने के बाद आप ये जो पट्टी बनाएंगी ये देखिए फंदे डालने के बाद ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है तो इसको हम ऐसे रखेंगे इनके बीच में ये दोनों पटियाँ आपकी सीधी होनी चाहिए और इसका जो सीधा हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए अब हमें इस कैप को बनाने के लिए चौबीस फंदे और चाहिए जो कि हमें अब इसमें ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को उठाएंगे यहाँ से और इसमें यहाँ पर बारह फंदे हम बना लेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे बारह फंदे ध्यान से देखिएगा इस एक फंदे में से ऐसे फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे तो एक फंदा हो गया फिर इस फंदे में से हम फंदा बनाएंगे और उसे सिलाई पर डाल देंगे तो दो फंदे हो गए फिर से इसमें से हम फंदा बुनेंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे तो तीन हो गए फिर से ऐसे लेंगे और एक फंदा बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे चार हो गए तो ऐसे ही हमें इसमें बारह फंदे बुनने हैं तो आठ और बना लेती हूँ चार बन गए हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बारह फंदे बना लिए हैं बारह फंदे हम इस पट्टी के एंड में बनाएंगे तो हमारे जो चौबीस फंदे हमें और चाहिए हैं वो पूरे हो जाएंगे तो ये देखिए अब 24 फंदे हमारे इस पट्टी के थे 12 फंदे हमने ये बुन लिए हैं इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए एक एक फंदे को आप ध्यान से बनाइएगा ये जो हमने अभी 12 फंदे बनाए हैं ये थोड़े से आपके टाइट हो सकते हैं तो इस तरह से करते हुए आप इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए तो ये देखिए इन सभी फंदों को मैंने इस तरह से उल्टा बुन लिया है अब हम ये वाली जो पट्टी हमने बीच में रखी है इसको ऐसे उठाएंगे और इन फंदों को हम इसी सिलाई में बुन लेंगे और ये वाला जो धागा है इसे हम टाइट पकड़ेंगे और ऐसे देखिए इसमें बुन लेंगे और ये धागा आपका लूज होगा तो इसे फिर से खींच दीजिए और ऐसे करते हुए ये जो 22 फंदे इस पट्टी के हैं इनको भी हम इसी सिलाई में बना लेंगे तो ये देखिए इन फंदों को भी मैंने इसी सिलाई में बना लिया है अब हम ये वाली सिलाई लेंगे और ये जो चौबीस फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में बुनेंगे तो ये जो धागा है इसे आप ऐसे पकड़ लीजिए थोड़ा सा टाइट रहे फिर से लूज हो जाएगा तो आप एक बार फिर से इसे खींच दीजिए और इन फंदों को भी आप इसी सिलाई में बना लीजिए और इनको बनाने के बाद फिर हम लास्ट में बारह फंदे और बनाएंगे तो ये देखिए इन फंदों को भी मैंने इसी सिलाई में बना लिया अब हमें यहाँ जो बारह फंदे बनाने हैं देखिए उनको कैसे बनाएंगे इसको ऐसे पलट लेंगे और इस फंदे में से एक फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई पर डाल देंगे फिर इस फंदे में से हम एक फंदा बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे दो हो गए अब ये वाला जो फंदा है अब इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे सिलाई पर डाल देंगे तीन हो गए फिर इसमें से बुनेंगे और स्लाई पर डाल देंगे चार इसको हम ऐसे डाल देंगे पाँच फिर बुनेंगे ये देखिए इसको यहाँ ले आएंगे छ फिर से फंदा बनाएंगे सात फिर फंदा बनाएंगे और इसे स्लाई पर डाल देंगे आठ फिर से बुनेंगे और इसे डाल देंगे नौ फिर इसमें से बुनेंगे और ये दस फिर बुनेंगे ये देखिए ग्यारह और इसमें से बुनेंगे और ये बारह अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे और ये जो हमारे दो जगह पर धागे हैं इनको हम टाइट करेंगे इस वाले धागे के साथ बांध कर दो तीन नोट लगा देंगे और ये दो जगह से जो धागे हैं इनको हम हटा देंगे तो अब ऐसे ही हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है और दोनों जगह से धागे भी हटा दिए हैं अब इसमें मैं आठ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी तो आप भी इसी तरह से आठ सिलाइयाँ उल्टी बनाकर कंप्लीट कर, कर लीजिए तो ये देखिए इसमें मैंने ये आठ सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं अब इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे तो चार सिलाई हमें सीधी उल्टी बनानी है तो सीधी साइड की सिलाई को हम पूरा सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे तो ऐसा करते हुए मैं इसकी चार सिलाइयाँ बुनूंगी सीधी उल्टी सीधी और उल्टी तो आप भी इसी तरह से ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चार सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली हैं अब हम क्या करेंगे छह सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। छः या आठ आप आठ भी बना सकती हैं छह सिलाइयाँ बनाएंगे तो इस तरह की तीन लाइनें आएंगी और आठ सिलाइयाँ बनाएंगी तो इस तरह से चार लाइनें आ जाएंगी इसलिए मैं इसमें चार लाइनें बनाऊंगी ताकि इसकी लुक अच्छी आए तो अब आप सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई बनाइए और उल्टी साइड से भी उल्टी तो जब आपकी आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो इसमें चार लाइनें आ जाएंगी उसके बाद फिर से चार सिलाई सीधी और उल्टी बनाइए जिससे आपका इस तरह से प्लेन वाला पार्ट बुना जाएगा फिर से आप आठ सिलाई उल्टी उल्टी बनाइए जिसमें आपकी चार लाइनें आएंगी इस तरह से करते हुए अब हमें इस कैप की घटाई करने तक की लेंथ को पूरा करना है तो अब आपने इसी तरह से आठ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है फिर चार सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुननी है फिर आठ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है ऐसे करते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लीजिए तो मैं भी इसकी इस तरह से करते हुए लेंथ बुन लेती हूँ फिर आपको मैं इसकी कैप की घटाई बताऊँगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी घटाई तक की लेंथ बना ली है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे मैंने पाँच इंच बनाया है और ये बीच में देखिए एक दो और ये तीन आठ सिलाइयों वाले तीन पार्ट बुन के और चौथे वाले पार्ट की दो सिलाइयाँ बनाई हुई हैं तो आप या तो इंची टेप से नाप कर इसे पूरा पाँच इंच बना लीजिए या ये जो बीच में हमारे आठ सिलाइयों वाले पार्ट हैं ये तीन बनाकर चौथे की दो सिलाइयाँ बना लीजिए अब हमारे ये टोटल नाइन्टी फोर फंदे हैं इन नाइन्टी फोर फंदे में हम चार फली बनाकर फंदे घटाएंगे तो इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ये देखिए टोटल हमारे फंदे हैं नाइन्टी फोर तो इसमें हम पहले ग्यारह फंदे उल्टे बनाएंगे फिर तीन का एक करेंगे फिर बीस फंदे बनाएंगे तीन फंदे का एक बनाएंगे फिर बीस फंदे उल्टे बुनेंगे तीन का एक कर देंगे फिर बीस फंदे उल्टे बनाएंगे फिर तीन का एक कर देंगे लास्ट में हमारे ग्यारह ही फंदे आ जाएंगे इन सभी फंदों का जब हम जोड़ करेंगे तो टोटल हमारे ये नाइन्टी फोर फंदे हो जाएंगे तो अब देखिएगा ग्यारह फंदे पहले हम उल्टे बुन लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह दो चार छ आठ दस रे ग्यारह इस तरह से ग्यारह फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे कीजिएगा और इन तीन फंदों का हम एक बनाएंगे तो इसको छोड़ के ये जो बीच वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे इस फंदे को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा बना देंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीस फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ तीन का एक बनाएंगे। तो इस फंदे को छोड़ देंगे बीच वाले को ऐसे लेंगे एक को उतार कर देखिए बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे अब इन तीन फंदों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीस फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे करते हुए हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये चौथी फली आ गई है और ये चौथी फली बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह तो देखिए लास्ट में भी हमारे ग्यारह ही फंदे उल्टे आए हैं इधर भी ग्यारह है लास्ट में भी ग्यारह है बीच में हमारे बीस बीस फंदे हो गए हैं उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे सीधी साइड पर फिर से हम ऐसे ही फंदे इसमें घटाएंगे तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन लिया है अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर पहले हमने यहाँ ग्यारह फंदे बनाकर तीन का एक किया था अब हमारे जो फंदे कम होंगे वो ये जो सीधी फली दिख रही है हर बार इसी में होगा एक इधर से एक इधर से यही तीन का एक करना है तो यहाँ पर अब हम दस फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस धागे को पीछे ले जाएंगे और यहाँ तीन का एक करेंगे ये जो बीच की फली है इसको हम ऐसे लेंगे इस एक फंदे को उतार के बैक साइड की सिलाई पर लेंगे और फली वाले फंदे को पलट के सबसे आगे कर देंगे धागा पीछे है बैक साइड से तीन फंदे में सिलाई डाल लेंगे और यहाँ तीन का एक फंदा हम बना देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ अठारह फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अट्ठारह धागे को पीछे करेंगे ये देखिए ये फली वाला फंदा है एक इधर उल्टा है तो इस फली वाले फंदे को ऐसे लेंगे पहले को उतारेंगे बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और फली वाले बीच के फंदे को पलटकर सबसे आगे कर देंगे बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे अब हमें ऐसे ही फंदे घटाते जाना है बीच बीच में आपके अब अट्ठारह हो जाएंगे फिर यहाँ लास्ट में आपके दस बचेंगे उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनना है जब आपकी ये वाली आठ सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी तो फिर से हमारी ये वाली चार सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी फंदे हमारे ऐसे ही हर बार यहाँ पर तीन का एक यहाँ पर तीन का एक ऐसे ही बनता जाएगा बीच के फंदे कम होते जाएंगे लास्ट में आपके सिर्फ चार तो जो फली हैं ये वाले फंदे बच जाएंगे एक इधर से एडजस्टिच होगा एक इधर से सिर्फ छः फंदे बचेंगे तब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही फंदे घटाते हुए अब इसे आप आगे आगे बुनते जाइए तो मैं भी इसे बुन कर कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स अब लास्ट में हमारे सिर्फ छः फंदे बचे हैं चार फंदे इन चार फलियों के हैं और एक एक फंदा दोनों साइड पे बचा हुआ है अब उल्टी साइड पर इन छः फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से इन छह फंदों को आपने एक साथ लेना है और छह का एक फंदा ऐसे बना देना है और फिर जो हमारा एक फंदा बनेगा उसके बीच में से हम ऊन निकाल लेंगे और यहाँ पर उसको टाइट करेंगे तो ये देखिए ऐसे कीजिएगा और यहाँ पर इसके फंदे के बीच में से ऊन को निकाल लेंगे और इसे यहाँ पर पक्का कर देंगे तो ये देखिए हमारी जो कैप है ये बन गई है अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इसी धागे को थोड़ा लंबा काट के सुई में डाल लेंगे और इसे हम यहाँ तक सील देंगे तो ये देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है और ये देखिए ये जो हमारी लाइनें हैं इनको आप ध्यान से मिलाइएगा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए नहीं तो इस कैप की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी तो इन सभी लाइनों को आपस में ऐसे मिलाते जाइएगा और यहाँ से यहाँ तक बारीक बारीक टाके लगाते हुए आप इसकी सिलाई कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स कैप की सिलाई हो गई है अब हम ये वाला जो इसका पार्ट है देखिए ये वाला ये इसके साइड के ईयर कप हो गए हैं और ये जो बीच में हमने इसका पार्ट लिया है इसको हम ऐसे लेंगे इस धागे को यहाँ से हटा देंगे और एक बटन हम यहाँ पर लगाएंगे और एक बटन इसका यहाँ पर लगा देंगे आप चाहो तो एक सिंपल सा बटन लगा सकती हैं कोई फैंसी आपके पास बटन हो तो सिंपल लगा सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे अगर बटन भी आपके पास ना हो तो एक टाका आप यहाँ पर लगा दीजिए और एक यहाँ पर तो अब इसको ऐसे करके ये देखिए जैसे हमने इसको जब ऐसे लिया था ये उल्टा हिस्सा ऊपर रखा था जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा और सीधी किनारे इसके ऊपर आ गई है तो मैं यहाँ पर एक बटन लगाऊंगी और एक यहाँ पर लगाऊंगी और ये जो धागा है इसे मैं यहाँ से हटा दूंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये दो बटन लगा दिए हैं अब इसमें हम यहाँ पर एक बड़ा सा पम लगाएंगे जिससे कैप की लुक बहुत अच्छी आएगी तो इस तरह से आप हाथ पे धागा लपेट लीजिए जितना बड़ा आपको पोम चाहिए उसी हिसाब से धागे को लपेट लीजिए तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको लपेट लेना है और अब सुई में धागा डाल के और उसको डबल करके ऐसे हमने नोट लगा देनी है और फिर इसके ऐसे करेंगे ये जो हमने नोट लगाई है इसके बीच में से हम सुई को ऐसे निकालेंगे इससे यहाँ पर एक नोट लगेगी जिसे बंद जाएगा इस तरीके से और इसको खींच देना है और इसको खींचने के बाद यहाँ पर एक बार सुई निकाल के और दोबारा से इसके बीच में से निकालेंगे तो फिर ये पक्का काम हो जाएगा अब हम इसकी कटाई छटाई करके इसकी अच्छी सी शेप बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी शेप बना ली है अब इसके ठीक बीच में हम इसको ऐसे सुई डालेंगे और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे आप नीचे इसको बिल्कुल पक्का कर दीजिए दो तीन बार सुई से और फिर हमारा ये कैप तैयार हो जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है अगर आप इस तरह से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आपको इसमें सिर्फ पचपन ग्राम ऊन लेनी होगी तो आपकी ये प्यारी सी कैप बनके तैयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कैप पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू